इतना खूबसूरत वेदर हो गया है, देखो चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स है। देखो ये देखो, कल जो हुआ जो भी होना था हो गया है, और आई कैन नॉट सिट एंड रिग्रेट दैट। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इतना प्यारा हो गया है, बाहर चल के ठीक से बताते हैं। नहीं, हयाबुसा जो है वहाँ पे पार्किंग पे खड़ी है, तो मैंने कल रात से हयाबुसा को देखा नहीं है, मतलब कैसे खड़ी है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता है। तो वहाँ पे जाके नीचे चलते हैं। इतना खूबसूरत वेदर हो गया है, देखो चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स है। देखो ये देखो, और यहाँ पे अपना रूम है और ये रेस्टोरेंट है, तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप लोगों को जाना है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और देख सकते हो आप लोग। बहुत ज़्यादा शबनम भी पड़ रही है, वैसे देखो ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे मनाली आ गए हैं। वैसे मनाली बर्फ़ पड़ता है, लेकिन ये जो मज़ा है एक और मज़ा है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, क्या करना है, सब्सक्राइब करो पहले। आप लोग देख रहे हो तो दिस इज़ द होल पार्किंग एरिया, तो बहुत सेफ़ रहेगी बाइक और कार जो भी है, पार्किंग एरिया सेफ रहेगी। वैसे ये सिटी से बहुत ऊपर है, मतलब यू हैव टू कम लिटिल अप फॉर द होटल्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स हैं। किंग्स क्लिफ भी है और ये भी होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हयाबुसा में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। वैसे टायर थोड़ा चला गया था, लेकिन आई डोंट नो इतने पंचर्स आ जाएंगे, और हमने प्लान चेंज ही कर दिया। जहाँ जाना था वहाँ गए नहीं। और ये देखो यहाँ पे पार्किंग में खड़ी है, ठीक ठाक है गाड़ी, नो प्रॉब्लम, पार्किंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। वैसे देखो ये टायर जो है ना कम्प्लीटली जा चुकी है। मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया था कि टायर चेंज करवाना पड़ेगा राइड के पहले, लेकिन आई हैड टू यू नो जस्ट लीव फॉर द राइड। और कन्याकुमारी जाते जाते हम लोग ने रियलाइज़ किया कि बहुत दूर है, और इस बाइक में जाना मतलब बहुत बहुत बड़ा यू नो नुकसान होएगा। तो दैट्स वाई वी चेंज द प्लान, एंड हम लोग कॉल किए। वैसे ऊटी बंद था, और एग्जैक्टली जिस दिन हम लोग निकल रहे थे कन्याकुमारी, ऊटी खुल गया था। वी गेव अ कॉल टू अ होटल एंड पता चला कि होटल सब कुछ खुला है, तो स्टे सब कुछ खुला है, लेकिन यहाँ के साइट सीइंग प्लेसेस जैसे कि बोटानिकल गार्डन, टॉय ट्रेन और सब कुछ क्लोज है। तो इसलिए हमने सोचा है कि बाहर चलते हैं, इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है तो इसके एक्सप्लोर करते हैं। वैसे इस ये बाइक में ही जाना पड़ेगा फिर से, लेकिन इस बार लगेज नहीं रहेगा। लगेज रहने से थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो रही थी, बैक पेन बहुत ज़्यादा आ गया था कल रात को, मुझे हो ही नहीं रहा था, आई कुडंट बेंड लाइक दिस, अगर बेंड कर रहा हूँ तो दर्द पकड़ रहा था। ओके सो हम लोग एक्चुअली ब्रंच के लिए निकल रहे हैं, और बारिश, इतनी खूबसूरत बारिश पड़ रही है वहाँ पे। हम लोग ने एक्साइटमेंट में ना ब्रेकफास्ट खाया ना लंच खाया, दोनों नहीं खाया है, और अभी बाइक चालू करके देखते हैं, बिकॉज इतनी ठंड है यहाँ पे तो बाइक ऑन होना चाहिए। बहुत सूदिंग सा आवाज़ है, बहुत अच्छा आवाज़ है, लेकिन क्या होता है ना जब चलाते हो लॉन्ग राइड्स पे, इसका आवाज़ इतना इरिटेटिंग हो जाता है, ऐसे करता है कान में कुछ डाल के काट दो ऐसे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे चिल्ला के बात करना क्योंकि माइक नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला के बात करूँगा गाड़ी चलाते वक्त। अभी माइक का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, व्लॉगिंग करने के लिए आए थे, मोटो व्लॉगिंग के लिए बाइक लेके आए थे, लेकिन माइक ही नहीं चल रहा है। इतना प्यारा वेदर हो गया है और माइक नहीं चल रहा है, क्या बताएं, ऐसे ही होता है। देखो सारी तरफ सारी जगह पे देयर इज ओनली फॉग 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 एवरीवेयर, और हम लोग थोड़ा माउंटेन के ऊपर ही रह रहे हैं, इतनी अच्छी जगह मिली है हमको और माइक नहीं चल रहा है। ये सबसे गंदी बात है, सबसे बुरी बात है मेरे लिए, इट इज़ अ वेरी बैड बैड फीलिंग कि मैंने एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन लेके आना चाहिए था, लेके नहीं आया, और अभी ऐसे हो गया है। अभी जाते हैं क्विक से ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोग ने, तो डायरेक्टली ब्रंच करेंगे। और देखो कितना ब्यूटीफुल सा घर है यार, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है ऊटी वेदर में। बाप रे बाप, बहुत ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड, सोचो ये लद्दाख मनाली 0 -1 -10 जाती है, ये तो कुछ नहीं है उसके आगे। तो ये बस प्रैक्टिस रहना है मेरा, तो हयाबुसा पे नहीं, कुछ और टूरिंग बाइक में ही जाना है। वाह ये देखो कितना प्रॉपर विला है, यहाँ पे बहुत सारे विलास हैं इस रास्ते में। ये एग्जॉस्ट इतना लाउड है कि मैं बात करूंगा तो भी नहीं आएगा, थोड़ा कम ही आवाज़ आएगा, दैट्स व्हाई आई एम शाउटिंग। अभी शाउट करके भी बात करके बहुत कम आएगा। ये देखो व्यू, बहुत प्यारा व्यू है। देखो कहीं मेडिकल ढूंढ रहे, बिकॉज वी डू नॉट हैव मास्क, और मास्क का तगड़ा फाइन लगेगा यहाँ पे अगर हमारे पास मास्क नहीं है। वाह ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है।
इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं शुगर ड्रिपल्स करके, जस्ट रीच टू शुगर ड्रिपल्स, और यहाँ पे खाना थोड़ा अच्छा ही है तो दैट्स वाई वी केम डाउन हियर। एक दिक्कत ये है कि आई हैव नॉट वोन द मास्क, और मास्क हमारे पास नहीं है, बाहर जाने के लिए भी प्रॉब्लम है बिकॉज बाहर कॉप्स खड़े हैं। एंड अगर मैं जाऊँगा फाइन लगेगा तगड़ा, लेकिन पहले यहाँ पे ब्रंच करते हैं। क्या है ब्रंच में मिलेगा सब कुछ। ओके सो शुगर ड्रिपल्स इज़ अ प्लेस, आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन हियर। आप लोग ऊटी आएंगे तो यहाँ पे यू कैन हैव अ गुड फूड एंड एन्जॉय द प्लेस ऑल्सो। वैसे जगह उतनी खास नहीं है, यहाँ पे सिटी के अंदर ही है, मेन में है सिटी के। ओके द फूड हैज कम, ये अल्फ्रेडो पास्ता है, हम लोग ने फ्रेंच फ्राइज खा लिया। ब्रंच इज गोइंग ऑन गुड। एक्चुअली हुआ क्या है, हम लोग यहाँ पे माइक्रोफोन का जो बैटरी है वो ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। बैटरी मिल गई है, लगा के देखा हम लोग ने, बट इट्स नॉट वर्किंग। और यहाँ पे आए एक शॉप पे जहाँ पे कपड़े अच्छे मिल रहे थे, हम लोग ने सोचा वैसे तो सब कुछ क्लोज है, मतलब साइट सीइंग प्लेसेस टूरिस्ट प्लेसेस क्लोज है, तो हमने सोचा क्यों ना शॉपिंग कर ले और देखें। मैंने ये सेलेक्ट किया है, ये जो फुल सूट है, दिस इज़ अ गुड मटेरियल, तो देखते हैं पहन के। ऑलराइट सो यहाँ पे एक ड्रेस मैंने लिया, जैसे कि बताया था फुल सूट लिया है। और क्या ट्रैफिक आती जाती रहती है यहाँ पे, और बारिश रुकता नहीं है, थोड़ी देर में बारिश पड़ जाता है, थोड़ी देर में रुक जाता है, इतना खेल रहा है यहाँ पे बारिश, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा खेल रहा है बारिश। और मार्केट ही देखने का बाकी है बिकॉज मार्केट में ही खुला है सब कुछ, दूसरा तो साइट सीइंग प्लेसेस तो सब कुछ बंद है। मैंने बैटरी तो देख लिया है, बैटरी कहीं नहीं मिल रही है। तो सिटी खुली है, कल ही खोला था सब कुछ, और टूरिस्ट को पास के बगैर तो अलाउ नहीं करेंगे, तो आई हैव अप्लाइड द पास, जैसे कि मैंने बोला था तमिलनाडु के लिए पास चाहिए और स्पेसिफिक जगह के लिए भी पास चाहिए, लेकिन मैंने अप्लाई किया फिर यहाँ पे आके फिर मैंने एक और पास अप्लाई किया है। ओहो ये देखो, वैसे अभी तक 510 किलोमीटर्स मैंने कर दिया है हायाबुसा पे, और रिटर्न आई थिंक 280 या 260 किलोमीटर्स है टू बैंगलोर, तो देखते हैं कैसे सफ़र रहता है। वैसे मैं आई प्रीफर गोइंग इन द डे इटसेल्फ बिकॉज रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो दिन में ट्रैवल करना सही रहेगा, और रात में पता नहीं अंधेरा रहता है और रास्ते में भी कुछ दिखाई ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। वी कैन ट्रैवल इन द डे टाइम इटसेल्फ, आराम से जाते हैं।